हेलो एवरीवन, आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हेयर प्रॉब्लम की समस्या से आप किस तरह से निपट सकते हो, किस तरह से इसके छुटकारा पा सकते हो। तो जी हाँ, महिला हो या पुरुष हो, सभी के लिए हेयर प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। लंबे काले घने बाल किसको पसंद नहीं आते, सभी को पसंद है। लेकिन जब ये झड़ने लगते हैं, धीरे धीरे करके पतले होने लगते हैं, तो ये एक बहुत गंभीर समस्या बन जाती है। हेयर फॉल की समस्या से निपटने के लिए कलौंजी, जो हमारा कुकिंग फूड है, खाने में काम में आता है, ये बालों को झड़ने से रोकने में बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है, एक वरदान साबित हुआ है। तो इसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो कलौंजी का जो ऑयल होता है ना, वो हमको यूज़ करना है। कलौंजी का आप हेयर मास्क बना के यूज़ कर सकते हैं। कलौंजी का ऑयल आप 2 बार वीक में यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके जो स्कैल्प प्रॉब्लम है, फंगल इन्फेक्शन है, इचिंग है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, गंजापन है, उसको दूर करेगा। और इसको यूज़ करने से पहले अगर आप एक बाउल में 2 टीस्पून कोकोनट ऑयल और कलौंजी ऑयल 2 टीस्पून लेके थोड़ी देर के लिए आप धूप में रख दें, उसके बाद हल्का सा ये हल्का सा गर्म हो जाए, उसके बाद आप इसका मसाज करिए अपने हेयर में, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको इससे फ़ायदा पड़ता है। और आप इसको डेली यूज़ करते हैं, मतलब वीक में 2 बार यूज़ करते हैं और इसको आप रूटीन में लेते हैं, तो आपकी हेयर प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व होगी। सफ़ेद बाल आ रहे हैं वो प्रॉब्लम ख़त्म होगी। बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रही है, बाल पतले हो रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो पा रही है बालों की, तो आप इस कलौंजी ऑयल को यूज़ करिए, बहुत जल्दी आप उसका बेनिफिट देखेंगे। और साथ में जो मास्क है ना, कलौंजी का जो मास्क बना के आप अगर अपने हेयर में लगाएंगे, तो आपको बहुत जल्दी फर्क पता चलेगा। और भी ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है इसमें, बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो आपकी स्कैल्प प्रॉब्लम को दूर करेगी और आपका स्कैल्प हेल्दी और हेयर बहुत जल्दी ग्रो करने लगेंगे। तो ये थी छोटी सी जानकारी आप लोग के लिए। और और आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़्यादा से शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।